Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, we are back with the fourth part of this chapter. अपने fourth part देखना है इस chapter का और इस part के अंदर हम जानेंगे पूरी तरीके से architectural चीजें. जिस बच्चे ने वीडियो का तीसरा पार्ट देखा है वो चौथे पार्ट को बहुत अच्छे और आसानी तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि शुरुआती समय में जो कलाकार थे उन्होंने अपने काम को रियलिस्टिक तरीके से पेश करने की कोशिश करी थी. तो बहुत सारे आर्किटेक्चुरल चीज़ों में रोम 15वीं सेंचुरी में अपने काम की वजह से फेमस हुआ था और 15वीं सेंचुरी में उसने बहुत शानदार तरीके से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसी टाइम पीरियड पे मैं बोल सकता हूँ कि जो नए क्लासिकल आर्किटेक्चुरल फॉर्म थे वो सामने आए थे और उसने इम्पीरियल रोमन स्टाइल के कल्चर को बदलने की कोशिश करी. मतलब 15वीं सेंचुरी से पहले भी रोम के अंदर आर्किटेक्चुरल फॉर्म जैसी चीज़ें होती थी, लेकिन आर्किटेक्चुरल के साथ पेंटर्स ने अपने काम के थ्रू आर्किटेक्ट को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया तो पूरे विश्व के अंदर वो फेमस हो गए और आज के डेट में इनका आर्किटेक्चुरल फॉर्म दूसरे यूरोपीय कंट्री के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है. तो इनका श्रेय कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता है. तो हम इसमें एक तो उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम और भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि रेनेसा व्यक्ति कौन होते हैं और इनक्रेडिबल लोग कौन कौन से थे जिन्होंने इतिहास में अपना नाम कर दिया अपने काम की वजह से. तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति आते हैं माइकल एंजेलो. दोस्तों माइकल एंजेलो एक बहुत अच्छे पेंटर है माइकल एंजेलो, और साथ में पेंटर के साथ वो स्क्रप्टर भी हैं और आर्किटेक्चुरल भी चीज़ें करते हैं. पेंटर की कहें तो इन्होंने पेंटर के अंदर वो सारे काम करके दिखाए थे जो आज तक विश्व में इनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता. मूर्तियों की बात करें तो इन्होंने मूर्तियां इतनी अच्छी अच्छी बनाने की कोशिश करी कि इनकी जैसी कोई मूर्ति नहीं बना सकता. आर्किटेक्चुरल की बात करें तो इन्होंने ऐसे ऐसे बिल्डिंग का आर्किटेक्ट बनाने की कोशिश करी कि विश्व के अंदर इनके जैसा कोई आर्किटेक्ट बना ही नहीं. तो इस वजह से माइकल एंजेल जो है माइकल एंजेलो वो अपने काम की वजह से बहुत फेमस है, जिनमें से कुछ ऐसे उनके काम हैं, ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसे वास्तुशास्त्र इन्होंने करा है, यानी कि जो आर्किटेक्ट चीज़ें होती हैं वो करने की कोशिश करी है. तो आप देख सकते हैं नंबर वन है हमारा यहाँ पे एक डिज़ाइन किया गया था उनके द्वारा. आपको ये माइकल एंजेलो के द्वारा ये दिखाई दे रहा है, ये गुम्बद आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपको गुम्बद दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं वेकिटन सिटी, और मैं अगर गलत प्रनाउंस कर रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इटली के बहुत फेमस शहरों में से एक है. और इस आर्किटेक्चुरल फॉर्म को आप देख सकते हैं कि शुरुआती समय में सबसे पहले इस जैसे गुम्बद का निर्माण करने वाले व्यक्ति जो थे वो हमारे माइकल एंजेलो थे. उन्होंने इसका डिज़ाइन किया था और साथ में डिज़ाइन करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की पेंटिंग इसके अंदर करना और इस आर्किटेक्चुरल फॉर्म को कैसे बनाना है इसकी शुरुआत सबसे पहले माइकल एंजेलो के द्वारा हुई थी. यानी कि सेंट पीटर्स जो है वो भी इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था. साथ में आपको दिखाई दे रही है इमेजेस. ये इमेजेस दोस्तों उस समय पे सबसे फेमस इमेजों में से एक है जो उस समय इटली के इतिहास में रोमन कल्चर को बहुत आगे लेके जाता है. माइकल एंजेलो इस काम की वजह से आप देख सकते हैं अमर हो गए और उन्होंने सिस्टीन चैपल करके ये जगह है सिस्टीन चैपल, जिसमें उन्होंने ऊपर की छतों पे ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाने की कोशिश करी जो विश्व के अंदर आज तक कोई नहीं बना पाया. रोमन कल्चर के अंदर इन पेंटिंग को बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है और विश्व की सबसे महान पेंटिंगों में से ये पेंटिंग आती है. आप ये देखेंगे कि इसमें बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश करी गई है माइकल एंजेलो के द्वारा. और साथ में यही नहीं, उन्होंने इस इमेज को बनाने के बाद लोगों का दिल जीत लिया. द क्रिएशन ऑफ आदिम, यहाँ पे सबसे पहले व्यक्ति की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले व्यक्ति कहाँ से आया उसकी शुरुआत इस इमेज के अंदर देखी गई है.
और दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये, जब जीजस को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके बाद जब उनको उतारा गया तो उसके मरने के बाद द पाइटा करके ये इमेज है जो 1499 में बनाई गई थी माइकल एंजेलो के द्वारा। तो ऐसी स्क्रप्टिंग आप देख सकते हो, मूर्तिकार ऐसी मूर्ति मेरे ख्याल से विश्व के अंदर कोई नहीं बना सकता, और साथ में जो मैसेज यहाँ देने की कोशिश करेगी है वो तो कोई दे ही नहीं सकता। यानी कि इन आप स्क्रिप्टिंग में भी देख सकते हो, स्क्रिप्टिंग करो सॉरी में स्क्रप्चुअल में देख सकते हो कि संगमरमर से बनी जीजस की माँ जो है मरियम वो मरियम जो है अपने बेटे को कैसे गोद में लेके बैठी हुई हैं। दैट इज़ वाई ये इमेजेस इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। और यही नहीं, ये जो गुम्मद इमेजेस पेंटिंग ये माइकल एंजेलो को एक अलग सुपर लेवल पे लेके जाती है, और इसकी वजह से इन्हें बहुत बड़े नाम से यानी कि जो रेनेसा शब्द है इनके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी बात करते हैं हम लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची सही मायने में मास्टर थे रियलिज्म के, और साथ में उन्होंने ह्यूमन स्टडी और साथ में जो एटॉमिक एटोनॉमी यानी कि जो मानव शरीर होता है किसी भी व्यक्ति का उसके एक्यूरेट अंग बनाने का श्रेय लियोनार्डो द विंची जाता है। वन ऑफ माय फेवरेट लियोनार्डो द विंची, मैंने विश्व के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। क्यों नहीं देखा वो अभी आप शॉक हो जाएंगे जब आप इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लियोनार्डो द विंची एक रियल रियलिज्म व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति को मैं रियल रेनेसा व्यक्ति इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के अंदर नहीं बल्कि सब्जेक्ट के सभी चीज़ों में इतने ज़्यादा माहिर थे जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। विश्व के अंदर इनके जैसा ज्ञानी आज तक नहीं हुआ, मेरा मानना ये है, क्योंकि ये बॉटनी एनाटॉमी और उसके बाद मैथमेटिक्स आर्ट स्कल्प्टर पेंटिंग एस्ट्रोनॉमर इन्वेंटर और इससे ज़्यादा कई सब्जेक्ट में उन्हें महारत हासिल थी और विश्व के अंदर उनको कोई हरा ही नहीं सकता। द विंची का मतलब होता है एक ऐसा शिष्य जो अपने काम की तरफ फोकस रखे। विंची उनके शहर का नाम था जहाँ वो पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम लियोनार्डो द विंची पड़ा। और ये विंची शहर इटली को इतना ज़्यादा फेमस कर पाया क्योंकि रेनेसा व्यक्ति जो होते हैं वो कई सब्जेक्ट के अंदर रुचि रखते हैं और साथ में कई चीज़ों के अंदर उन्हें महारत हासिल होती है, दैट इज़ वाई इतने फेमस हो पाते हैं। तो यहाँ पे लियोनार्डो द विंची एक सब्जेक्ट में नहीं, लियोनार्डो द विंची मैथ में थे, एस्ट्रोनॉमर में थे, केमिकल चीज़ों में थे, साथ में वो डॉक्टर के थे, उन्हें नेचुरल साइंस भी बहुत अच्छे तरीके से आती थी, और यही नहीं वो एक अच्छे राइटर थे, पेंटर थे, एक अच्छे आर्किटेक्चुअल थे, उन्होंने साथ में एनाटॉमी की भी पढ़ाई करी थी, वो अच्छे पेंटर थे और साथ में अच्छे स्क्रप्टर भी थे। मतलब इतने सब्जेक्ट के अंदर कोई बंदा महारत हो जाए किसी व्यक्ति को तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा व्यक्ति कहलाता है। अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो आप शॉक हो जाओगे कि मोनालिसा जो पेंटिंग बनाई गई है, आपने इसका नाम तो बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है और ध्यान से सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि जो मोनालिसा पेंटिंग है दोस्तों, ये मोनालिसा की, ये तो आपको पता चल गई कि लियोनार्डो द विंची के द्वारा इटली शहर में बनाई गई थी, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे इसकी इंडियन रुपीज़ में अगर आप कैलकुलेट करके बता सकें कि इसकी रुपीज़ की प्राइस क्या है तो मैं आपको मान जाऊँ, क्योंकि इतना महंगी पेंटिंग है ना ये कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पेंटिंग महंगी में से यही आता है। लियोनार्डो द विंची को कितने साल लगे, हाउ मैनी ईयर्स, आपको ये भी बताना है कि हाउ मैनी ईयर्स इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो को टाइम लगा था। तो मैंने दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए कि इंडियन रुपीज़ में इसकी पैसे की वैल्यू क्या है इस पेंटिंग की, साथ में ये कितने टाइम में बनी थी लियोनार्डो द विंची के द्वारा, क्योंकि खुद वो विश्व के अंदर सबसे बड़े पेंटरों में से एक आते हैं, पिकासो उनके सामने कुछ नहीं थे, सोच सकते हैं आप। दूसरी द लास्ट सफ़र, इस मैसेज में, इस पेंटिंग में इतने सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं कि इसकी भी पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है, तो आप चाहे तो इसकी भी इंडियन रुपीज़ में पूरी अच्छी तरीके से ढूंढ के कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पेंटिंग की कीमत क्या होगी। तो इस तरीके से वो एक ही चीज़ में नहीं, ह्यूमन एटोनॉमी में भी बहुत फेमस थे वो, उन्होंने हर व्यक्ति मानव शरीर को उन्होंने सही तरीके से
एक एक चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करी जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। उन्होंने ह्यूमन जो मैं बोलता हूँ शारीरिक मानव विज्ञान जो होता है वो पूरा पढ़ा, ढंग से समझा। उस समय कोई कोर्स नहीं होता था, कोई सब्जेक्ट नहीं होता था, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी ज़्यादा स्टडी करी। इन्होंने एक एक पार्ट की सही तरीके से इमेजेस बनाने की कोशिश करी। आप विश्व में कभी भी ऐसी राइटिंग लिख नहीं पाएंगे अगर मैं आपको इस जन्म में बोल दूं। इसे बोलते हैं मिरर राइटिंग। मिरर राइटिंग कहने का मतलब अगर आपने कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए कुछ भी लिखा है आपने, और इस अगर आप इस चीज़ को इमेज में देखेंगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा। लेकिन लियोनार्डो दा विंची लिखते ही उल्टा थे, और जब इन्हें इमेज में देखा जाएगा तो ये सीधा दिखाई देगा। मतलब इतना ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति कैसे कोई हो सकता है। लियोनार्डो दा विंची काफ़ी समय तक सिर्फ और सिर्फ आसमान में पंछियों को उड़ता देखते रहते थे, और कई वर्ष तक तो उन्होंने आसमान में पक्षियों को देखते ही रहे क्योंकि उनका सपना था आसमान में उड़ना। तो इसीलिए उन्होंने उस टाइम पीरियड पे एक ऐसा मॉडल पेश करने की कोशिश करी जिसे आप फ्लाइंग मशीन के नाम से जानते हैं। ये ऐसा डिज़ाइन था जो लियोनार्डो दा विंची ने इतने हज़ारों साल पहले 15th century में कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि मिरर राइटिंग लिखना जो आज की डेट में भी पॉसिबल नहीं है, वो उस समय पे इस्तेमाल की जाती थी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, और दोस्तों उन्होंने फ्लाइंग मशीन उस टाइम पे बना दी थी। तो आप देख सकते हैं कि इटली के शहर में कितने रहस्य डूबे हुए हैं, कितने ज़्यादा रेनेसा व्यक्ति वहाँ पे पैदा हुए थे जो मल्टी टैलेंटेड थे। अभी तो आपने माइकल एंजेलो और साथ में लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ा है, लेकिन दोस्तों अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। तो ये मेरी तरफ से आपको थोड़ी सी मेरी तरफ से नॉलेज शेयर की गई है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी मेरी इमेजेस, और साथ में थोड़ी बहुत जो मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर करी है, वो जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों उसे कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके थ्रू किसी और को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और इस वीडियो की एंड हम यहीं पे करते हैं, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिलेंगे। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।